जैसे आप लोग अगर फिट होंगे, आपके बहुत सारे मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको इस तरह की वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें कि आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देने हैं, अगर आपकी परीक्षाएं डिस्क्रिप्टिव होती है तो आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए 2022 के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में। सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग जल्दी से तब तक वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं आप लोगों को उनके उत्तर कैसे करने हैं और उनको याद करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तो वहाँ पर क्या होता है, पूरा आपको बेसिक वाला कॉन्सेप्ट पता होता है, उस बेस पर आप उसको क्या करते हैं सॉल्व करने के बाद उसका आप टिक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे बार बार मैसेज करते रहते हैं कि भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ ऐसी ट्रिक बता दो, कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे कि मैं पास हो जाऊँ। तो उन सभी लोगों को क्या करना है, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं करी है तो आप लोगों को कोई भी एक मॉडल पेपर परचेज कर लेना है। ये नहीं है कि संजय का परचेज कर रहे हैं या अतुल का कर रहे हैं या और भी दिनेश वगैरह, किसी का भी कर सकते हैं आप लोग। सारे मॉडल पेपर अच्छे होते हैं, किसी भी मॉडल पेपर को ये किताब नहीं मिला हुआ है कि ये वाला मॉडल पेपर बेस्ट है, पर इसी से सारे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। हर मॉडल पेपर के ऊपर आपको दिखा हुआ मिल जाएगा कि नंबर वन मॉडल पेपर यहीं से सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो सभी मॉडल पेपर मेरी नजरों में अच्छे हैं, आप किसी का भी परचेज कर सकते हैं। मेरे पास कुछ मॉडल पेपर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संजय का है और उसके बाद ये अतुल का है और ये संजय का है, फिर ये दिनेश का है। सभी मॉडल पेपर्स बेस्ट रहते हैं, आपको ये नहीं है कि भाई कि ये वाला मॉडल पेपर अच्छा है, ये वाला मॉडल पेपर, कोई भी आप मॉडल पेपर परचेज कर सकते हो, सारे मॉडल पेपर अच्छे होते हैं, ठीक है। अब मैं बात बता दूँ कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर तैयारी करनी है तो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं, अगर अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो। अगर हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बात करें तो एक मेमोरी का टाइप होता है फोटो क्लिक मेमोरी। जैसे किसी की चीज़ की किसी की भी आपने एक बार फोटो देखी तो आपके दिमाग में छप जाता है कि उस व्यक्ति का चेहरा इस टाइप का था या फिर यहाँ से बिलोंग करता था, ये सारी चीज़ होती है। अगर अभी आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी शुरू नहीं की है तो आप लोग ये काम कर सकते हैं कि कोई भी चैप्टर उठाइए, उस चैप्टर के बस क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करिए। उनको पढ़ेंगे सुबह शाम, आप पढ़ेंगे पूरा एक चैप्टर, आप दो बार में पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे शाम को पढ़ेंगे। बस आपको पढ़ना है, रखना नहीं है, बस पढ़ना है। आपको एक देखना है कि उस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमें मिला है उस क्वेश्चन के अंदर, और आंसर वाला जो ऑप्शन होगा ना उसके ऊपर टिक कर देना। अब पहली बार आपने पढ़ना स्टार्ट करा उसके ऊपर टिक कर दिया, ठीक है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया। अब मॉर्निंग में उठ के आपको क्या करना है, उस पूरे पेपर को एक बार देख लेना है कि इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर था, इसका ऑप्शन ये वाला टिक किया था मैंने, ये वाला टिक किया था। आप लोग जब अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे कि जो मैंने ऑप्शन वहाँ पर देखे थे, आपको फोटो क्लिक मेमोरी के थ्रू वो सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, इंस्टेंट सेव रहेंगी। वो ये नहीं है कि आपकी परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाती है, ठीक है, वो इंस्टेंट सेव रहेंगी। आप पेपर के 4-5 दिन पहले भी आपको यही काम करना है, ठीक है, अभी तो आपको एक एक चैप्टर करके सारा पढ़ते हुए जाना है। सेम चीज़ आपको करनी है डिस्क्रिप्टिव वालों में, आपको क्या करना है पूरा पेपर आपको एक बार पूरा क्वेश्चन जो है पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो जो सारी चीज़ें रह गई हैं उसको एक बार लिख के जरूर देखना है अपनी भाषा में। बोलते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, आपको टीचर्स भी बताते होंगे कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपको इसका उत्तर अपनी भाषा में लिखना है। अब आपको क्या क्या चीज़ें आपने आपके दिमाग में रह गई वो आपने एक बार नोट डाउन कर ली, फिर आप मैच करना क्वेश्चन को, जो आंसर आपके मॉडल पेपर में दिया गया है उसे मैच करना है एक बार कि अब मैंने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, कौन कौन से मिस हो गए। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जे ये काम आप लोग कर लेंगे उसके बाद आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है। और नीचे आपको कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस ट्रिक से फायदा हुआ या फिर नहीं हुआ, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे बता देना। तो ये आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी है, आप ऑब्जेक्टिव हो डेस्क्रिप्टिव हो सारे ही क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व कर पाएंगे, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बीए के हो, बीएससी के हो या बीकॉम के हो, मैथमेटिक्स की मैं नहीं कह सकता, मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, सम्स पूरे आने चाहिए, डेरिवेशन पूरा करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको वहाँ पर थोड़ा सीखना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक चैनल रिकमेंड कर दूंगा जिन लोगों को मैथ में कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कि इस चैनल के थ्रू आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं वो मेरे जानने में ही है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर आकर। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और स्क्रीन ऊपर भी दिख रहा है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड को ताकि उनका भी फायदा हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन है, जय हिंद, वंदे मातरम।